अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल। में मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद और कारामद होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको एक डीसी कूलर पंप को, जो कि हमारे कूलर वगैरह में होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, हम इसको मुकम्मल तौर पर रिपेयरिंग करके इसको डीसी मोटर 750 डीसी मोटर लगा कर इसको चला कर आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई इस तरह हमारा पंप दोबारा रिपेयरिंग अवेलेबल हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल हो जाता है कि नहीं। इसको लगाने का, मोटर को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इसको इसके ऊपर लगाकर इसके साथ इस पंप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याद रहेगा, मोटर को पानी ना लगे, इसको मुकम्मल कवर करके आपने इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों याद रहेगा, ये बहुत ही मुफीद और कारामद प्रोजेक्ट बनने वाली है। मोटर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से मिल जाएगी, बासानी से मिल जाएगी। उनसे गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाले कवर को अच्छे तरीके से, पंप ऊपर वाले कवर को खोल देना है, हमने इसको अच्छे तरीके के साथ साफ कर देना है। फिर इसको मोटर के इसके अंदर लगाना है, जैसे हमने मोटर को इसके अंदर लगा लिया और फिर इसके रूटर को इसके साथ लगा कर देखना है हमारा रूटर इसके अंदर घूम रहा है कि नहीं। दोस्तों जैसे हमारा रूटर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर फिटिंग हो चुका है और अब इसके ऊपर पंप को लगाने वाले पंप मुकम्मल तौर पर बॉक्स को बंद कर देंगे, हमने इसको जो स्क्रूज को लगा देंगे, हमने इसको मोटर के इसके अंदर लगा दिया है और अब हम इसके स्क्रूज को लगाने वाले हैं। स्क्रूज के एक पॉइंट को एक साइड पर एक साइड को लगा स्क्रूज को लगा देंगे, दो चार स्क्रूज होते हैं, इसके जो स्क्रूज को आपस में लगा देंगे। दोस्तों अब जैसे हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से लगा दिया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसके मोटर को इसके अंदर फिटिंग कर दिया है। तकरीबन आपको 1150 रुपये में बासानी बाजार से मिल जाएगा, अगर ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं तो इस तरह आपका पंप तकरीबन 750 रुपये में 800 रुपये में दोबारा तैयार हो जाता है। दोस्तों जैसे हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ रिपेयरिंग हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ तैयार हो चुका है। अब हम इसको अडाप्टर को लेंगे जो तकरीबन बाजार से आपको 600 रुपये में 700 रुपये में बासानी से मिलेगा। दोस्तों जैसे हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा कर आपको दिखा दें, इसके पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगाने वाले हैं और नेगेटिव वायर के साथ नेगेटिव वायर को लगाएंगे। अब जैसे हमने इसके पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगा दिया, नेगेटिव वायर के साथ नेगेटिव वायर को अच्छे तरीके के साथ लगा दिया है। दोस्तों जैसे हमने इसको मुकम्मल इसके कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं, अब हम इसको चला कर आपको दिखा दें। आप जैसे हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। याद रखिए, मोटर को पानी में ना रखें, उसको पानी में रखने की वजह से आपकी मोटर बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इस मोटर को आपने पानी से बचाना है, पानी के लगने की वजह से आपकी मोटर खराब हो जाएगी, इसका वेलिंग वगैरह इसकी जल जाएगी, बहुत जल्दी पानी पड़ने की वजह से मोटर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। दोस्तों अब जैसे हमने शेपर को इसके अंदर अच्छे तरीके से लगाकर हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगा। जैसे हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये तकरीबन 1000 रुपये में मुकम्मल तैयार हो चुका है। दोस्तों अब जैसे हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, तो दोस्तों आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करके अपने कूलर वगैरह में इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लगाकर। आप जैसे हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। आप दोस्तों गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखेगा, मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह।